सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम लोग खड़े हैं शहादतगंज में और आज मैं यहां से लेकर के आप लोग को 5 सेपरेट ब्लॉग्स देने वाला हूं आने वाले दिनों में, यहां से लेकर के पूरे अयोध्या तक। इस बार जो चौड़ीकरण का ब्लॉग है वो कुछ हटके रहने वाला है, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला मैं यहां से शहादतगंज रखूंगा रिकाबगंज तक का, दूसरा रिकाबगंज से नियावा तक, क्योंकि वहां जो एरिया है वो हर है तोड़फोड़ का, नॉइज़ है पीछे, तो आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। अगला आपको मिलेगा नियावा से लेकर के और दुर्ग बाजार चौराहे तक का, फिर वहां से लेकर के बेनीगंज तक का, और फिर बेनीगंज से लेकर के सियाम हॉस्पिटल तक का, फिर सियाम से लेकर के नया घाट तक का। इतने पार्ट में ब्लॉग डिवाइड रहेगा। तो गाइस, अभी हम लोग फिलहाल शहादतगंज में खड़े हैं, मैं हूँ मेरे, जहाँ से हम लोग चलते हैं पहले शहादतगंज से रिकाबगंज तक। तो भाइयों, निकल रहे हैं हम लोग अब यहाँ शहादतगंज से, चलते हैं। आगे टेम्पो भी जा रहा है, बस भी जा रही है रोडवेज की भाई, तो निकल लिए अब यहाँ से। फिलहाल आप लोग को दिखाते हैं पूरा यहाँ का जो सीन है। भाइयों, अगर हम यहाँ की बात करें शहादतगंज एकदम बॉर्डर की, एकदम मतलब आउटर की, तो भाई यहाँ तो अभी कुछ ज़्यादा सीन, क्योंकि देखिए यहाँ ऑलरेडी जो कोने कोने की जगह आप लोग को दिख रही होगी बहुत ज़्यादा चौड़ी है आगे, क्योंकि कुछ बना नहीं है आगे, सिर्फ ऐसे हल्के फुल्के स्टॉल्स टाइप लगे हैं। पेट्रोल पंप भी देखिए कितना इंटीरियर में है, और इधर कुछ भी बहुत ज़्यादा रोड तक नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा कुछ तोड़ फोड़ देखने को नहीं मिल रही है। आगे जहाँ पर मंदिर पड़ता है उसके आगे से तोड़ फोड़ स्टार्ट है, कचहरी यहाँ पर है, आपको कोर्ट मिल जाएगा, कोर्ट साइड में शायद उसके थोड़ा आगे आप लोग को तोड़फोड़ मिलेगी। तो चलते हैं भाई आप लोग को दिखाते हुए। देखिए इस साइड में कुछ हल्की फुल्की तोड़फोड़ दिखी है, एक दो घर इधर राइट साइड में तोड़फोड़ हल्की फुल्की दिख रही है मुझको। ये बालू मुरंग पड़ा है, ये टूट टूट के बन भी गया भाई, टूट के बन भी गया है। देखिए यहाँ कुछ तोड़फोड़ है, यहाँ पर घर लगातार टूट रहे हैं सारे के सारे, 1 2 3 4 भाई 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 सब टूट रहे हैं। आगे ये वाले घर बचे हैं, मेरे ख्याल से ये भी टूटेंगे, उधर देखिए टूट के बन भी गया है भाई, कई लोग तोड़वा के पहले से ऑलरेडी पीछे होकर बनवा लिए हैं। इस साइड में पेड़ कट रहे हैं भाई, अच्छा जो पेड़ तक, जो मतलब रोड तक पेड़ आए हुए थे वो पेड़ भी कट रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। ये भी पेड़ बहुत बड़ा है, ये भी जरूर कटेगा भाई ये। और इस साइड में लेफ्ट साइड में ज़्यादा तोड़फोड़ है, राइट साइड में भी है, दोनों तरफ है। ये देखिए लेफ्ट साइड के घर आप लोग, अरे भाई 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 तोड़फोड़ हो रही है बढ़िया से, चौड़ीकरण बढ़िया से हो रहा है इस साइड में। लेकिन मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा तोड़फोड़ अयोध्या साइड में, क्योंकि उस साइड बहुत ज़्यादा आगे तक घर बने हुए थे। देखिए, अरे ये क्या दिख रहा है, अरे बहुत सारे पेड़ टूट रहे हैं, देखिए बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जो जो पेड़ रोड पे हैं सबके सब काटे जा रहे हैं। देखिए बड़े बड़े पेड़ थे ये सब, और ट्रैक्टर में लद लद के लकड़ियाँ भी जा रही हैं यहाँ से, कई पेड़ थे भाई, कई पेड़ थे रोड पर, ये सब कट रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम सावधानी के साथ में काम हो रहा है, कोई भी रिस्क वाला काम नहीं हो रहा, देखिए सीढ़ी वीढ़ी सब लगी हुई है, एकदम सावधानी के साथ काम हो रहा है। और चलते हैं भाई, इधर भी रोड पे पेड़ हैं, सब पेड़ मेरे ख्याल से सब पेड़ कटेंगे भाई, तो सब तो बीच में रोड पे, जब 4 लेन रोड बनेगी तो सब पेड़ रोड पे ही पड़ेंगे, इस वजह से सबको कटना मतलब ज़रूरी है। ऐसे तो पेड़ काटना भाई आप लोग जानते हैं क्या है, बट डेवलपमेंट है, तो मैंने क्या कहा, विकास के पहले का विनाश है, वही चीज़ है ना, विकास के पहले का विनाश है, तो इसके बाद विकास भी देखने को मिलेगा। इस साइड में कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है, देख सकते हैं घर बहुत दूर दूर है, इस तरफ उस तरफ पीछे साइड में बहुत ज़्यादा आगे तक थे, इस वजह से वो सब टूट रहे थे, क्योंकि जो फिक्स नाप झोंके काम हो रहा है तो नपाई के अकॉर्डिंग सब कुछ तोड़फोड़ हो रही है। देखिए भाई चौराहा आ गया, यहाँ पे रेड लाइट तो नहीं है, देखना पड़ेगा, रेड लाइट है कि येलो लाइट है, येलो लाइट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पे यहाँ पे येलो लाइट ही रहती है, इस वाले पे रेड लाइट अभी तक तो मैंने एक बार देखी थी खाली, बस उसके बाद यहाँ पे अभी तो यहाँ पे येलो लाइट रहती है, क्योंकि अभी बगल में मंदिर भी है और लेफ्ट साइड में रोड निकल जाती है पूरा कैंट, लेफ्ट साइड में रोड पूरी ये कैंट निकल जाती है भाई। बस आ रही है स्कूल की, और चलते हैं भाई सीधे, येलो लाइट से अच्छा रुकना नहीं पड़ा भाई हम लोग को। और इस साइड में देखिए, इस साइड में एकदम खाली पेड़ ही पेड़ हैं, ये सब पेड़ भी कटेंगे जरूर, ये सब पेड़ भी जरूर कटेंगे, क्योंकि ये सब भी रास्ते में आ रहे हैं और घर वर तो इस साइड में नहीं है, इस वजह से इस तरफ जो है घर वगैरह नहीं टूटेंगे। आगे लड़का बहुत तेज़ी में स्कूटी में निकला, लगता है लड़का बहुत जल्दी में भाई, बहुत तेज में है, तेज़ी में एकदम, ठीक है। तो इधर से भाई चल रहे हैं हम लोग, और आगे हमारे सुधाकर भैया की कार है, शायद पीछे लिखा हुआ सुधाकर सिंह, हाँ सुधाकर भैया की गाड़ी भाई जा रही है, कोई काम होगा इस साइड में, शायद वो नहीं बैठे, गाड़ी कोई और चला रहा। तो भाई ये आ गए हम लोग कोर्ट, इस साइड में तो कुछ, इस साइड में अभी कोर्ट नहीं है, अभी कोर्ट नहीं है, अभी मुझको लगा कोर्ट की दीवार है, कोर्ट की दीवार नहीं थी भाई। ये तो अभी मेरे वैभव भाई का घर है, राइट साइड में वैभव भाई की घर की गली थी भाई, वैभव भाई से मिलाएं क्या, नहीं मिलना नहीं है, आगे चलते हैं काम करने भाई, जो भी काम है ब्लॉग बनाते हैं अपना। और इस साइड में देखिए अब कोर्ट पहुँच गए, बस स्टैंड आ गए भाई, तो इस साइड में देखिए भीड़ भीड़ आपको दिखने स्टार्ट हो गई, कई सारी गाड़ियाँ पार्क हैं, मैं सोच रहा हूँ अब चौड़ीकरण होगा सब गाड़ी कहाँ पार्क होगी भाई, कोर्ट वालों जल्दी से अपनी एक नया पार्किंग बनवा लो, पार्किंग बनवा लो, नहीं भैया दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी कहाँ पार्क होगी, है ना, पार्किंग जल्दी बनेगी यहाँ पे। और इस साइड में जो है देखिए ये सब जो दीवार दिख रही है, भले टूटे आगे से, क्योंकि बाउंड्री टूटेगी खाली, वो भी पुलिस स्टेशन की बाउंड्री है, तो राइट साइड में भी देखिए ये सब बाउंड्री टूटेगी जरूर, बाकी बिल्डिंग तो काफ़ी अंदर में है, और पार्किंग की कुछ नई व्यवस्था करी जाएगी। इस साइड में काफ़ी ज़्यादा जाम है, क्योंकि आप लोग को पता बगल में कोर्ट है, तो भाई जाम होगा ही होगा, है ना। आगे भी लग रहा है जाम है, तो निकलते हैं जाम में से आगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं फैज़ाबाद रोडवेज। भाई अब फैज़ाबाद बोलना अजीब लगता है, तो अब अयोध्या कैंट समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो बस हम लोग रोडवेज पहुंच चुके हैं और आगे लेफ्ट साइड में निक्कू के स्कूल की रोड भी गई है। निक्कू है क्या, मेरा भी स्कूल था बचपन से लेके अब तक, अयोध्या से यहाँ तक पढ़ने आता था भाई इस ऐसे ही वाइट वाइट ऑटो में बैठ के, जैसे वाइट ऑटो चल रहे हैं। तो अब देखिए जो राइट साइड में रोड है, ये रोड निकल जाती है पुष्पराज, नई वाली रोड आगे है ये भी निकल जाती है, वैसे इससे भी रास्ता है। और यहाँ पे पेड़ वेड़ इधर भी बहुत सारे हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप काफ़ी अंदर को बना है, पेट्रोल पंप काफ़ी अंदर को बना है ये भी, लेकिन नहीं ये भी आगे से कुछ ना कुछ जाएगा ज़रूर। और इस लेफ्ट साइड में बहुत स्पेस है, यहाँ कुछ तोड़ने में जगह नहीं मिलेगी भाई, देख के मोड़ो गाड़ी यार। ये देखिए लेफ्ट साइड रोड आ गए स्कूल वाली, और ग्रीन लाइट है भैया निकल लीजिए जल्दी से। तो भाइयों इधर राइट साइड में काफ़ी सारे बड़े बड़े जो मॉल जैसे ट्रेंड्स है, और ये जो होटल्स है बड़े बड़े, शाने अवध, तिरुपति और इधर मधुर मिलन स्वीट्स है, ये सब बिल्डिंग्स को कुछ हद तक नुकसान होने की चांसेस के, खाली इनकी पार्किंग जाएगी, देख लीजिए जो आगे पार्किंग है, खाली पार्किंग जाने का खतरा है। ट्रेंड्स हो सकता है यार कुछ बिल्डिंग जाए हल्की हल्की उसकी, और बाकी होटल्स वगैरह को दिक्कत नहीं होगी, पार्किंग जाएगी, खाली पार्किंग कहीं और सेपरेट करवाएंगे या तो। और भंडारा चल रहा है, अरे पूरी सब्जी बट रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, अच्छा आज कुछ है शायद, हाँ आज कुछ है उनका, तो इस वजह से यहाँ सब्जी पूरी का भंडारा हो रहा है भाई, चले खाया जाए क्या, लेकिन नहीं अभी काम बहुत है। तो अभी पहले काम करते हैं भाई, व्लॉग बनाते हैं, यहाँ रेड लाइट रुकना पड़ेगा भाई। सो गाइस हम लोग इतना दूर हो आए, बट अभी यहाँ पे जो मेन शहादतगंज से लेकर के और रिकाबगंज तक का है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमको दिख रहा है, राइट साइड में यहाँ हल्का हल्का काम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चौड़ीकरण नहीं दिख रहा है, इस एरिया में अभी कम है मेरे ख्याल से। काम जो है उधर नया घाट से लेकर के इस तरफ धीरे धीरे आ रहा है, तो ये एरिया मेरे ख्याल से एंड में टारगेट किया जाएगा, ये ऐसा एरिया है ना, क्योंकि उस साइड से काम इस साइड आ रहा है ना, एक छोर से काम स्टार्ट किया गया, तो उस तरफ से काम इस तरफ धीरे धीरे आ रहा है, इसी वास्ते देखिए ये सब अभी दुकानें कितनी आगे तक है, देखिए दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा आगे तक है, पेड़ देखिए, मंदिर भी है, ये सब दुकानें देखिए कितनी आगे तक हैं, ये सब पक्का जाएंगी, गारंटेड जाएंगी ये सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तक हैं, और अभी तक इसमें काम कुछ स्टार्ट नहीं है। देखिए इससे मतलब यही है कि यहाँ उस तरफ से काम इस तरफ धीरे धीरे आ रहा है, और जैसे उधर काम पूरा होगा फिर इधर भी जल्दी तोड़फोड़ स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे चैनल पे आप लोग को लगातार व्लॉग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अयोध्या का, जिस समय हाल है चौड़ीकरण का, आज मैंने सोचा है कि ये वाला जो व्लॉग है ये आप लोग को मिलेगा आज के दिन, यहाँ तक का इस बार कई पार्ट्स में व्लॉग आएंगे, ठीक है। रिकाबगंज चौराहा हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ तक का व्लॉग मिलेगा आप लोग को आज। ब्लॉग पसंद आया भाई ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अभी रेड लाइट है यहाँ पे, हम लोग को रुकना पड़ेगा, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करके रुकना क्या पड़ेगा भाई, बस लेफ्ट मुड़ना है भाई, वो भी चेंज हो गया है, ओ भैया क्या कर रहे हो। तो ठीक है भाई, अब आप लोग को अगर आज का ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मिलते हैं आप लोग से अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।